आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबूदाना चिवड़ा। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना। एक कप सच्चा साबू साबूदाना ले। ध्यान रहे कि इस रेसिपी में हम नायलॉन साबूदाना का ही यूज कर रहे हैं। एक बर्तन में तलने के लिए तेल गरम करें और इसमें थोड़ा थोड़ा करके साबूदाना डालकर तल लें। एक साथ बहुत सारा साबूदाना ना तले, जिससे कि यह अच्छे से फ्राई हो सके। तलने के बाद इसे टिश्यू पेपर पर निकालते जाएं, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल निकल सके। इसी तरह से बाकी के नायलॉन साबूदाना भी तल लें। बचे हुए तेल में 1/4 कप काजू तले। जैसे ही काजू पे हल्का गुलाबी रंग आ जाए, उसे निकाल लें। अब 1/4 कप मूंगफली फ्राई करें। हमारी मूंगफली भी तैयार है। आप चाहें तो इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, बस उन्हें भी ऐसे ही तल लीजिए। अब 1/4 कप किशमिश फ्राई करें। इन्हें हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जैसे ही ये हल्की फूलने लगे, इन्हें निकाल लें। अब 1 बड़ा चम्मच कड़ी पत्ते भी फ्राई कर लें। सभी सामग्री को एक कटोरे में निकाल लें। स्वाद अनुसार सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर डालें। अगर आप चिवड़े में थोड़ी मिठास पसंद करते हैं, तो इस टाइम पे पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिलने तक चलाएं। सच्चा साबू साबूदाना की नायलॉन वैरायटी से घर पर ही कितना अच्छा नमकीन बनकर तैयार हो गया। इसे आप व्रत उपवास में भी खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए।